नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं हिंदी की वर्णमाला। आज हम पढ़ेंगे प वर्ग के स्पर्श व्यंजन। प वर्ग में कौन-कौन से वर्ण आते हैं? तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ और म। अब मैं आपको बताऊंगी इनसे कौन-कौन से शब्द बनते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प से कौन-कौन से शब्द होते हैं। प से होती है पतंग। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे तो आपने उड़ाई ही होंगी। 15 अगस्त के दिन सभी लोग पतंग उड़ाते हैं। अगला शब्द है पपीता। पपीता आपने खाया है? पपीता एक फल होता है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगला वर्ण है फ। फ से होते हैं फल। हमें रोज फल खाने चाहिए। फल खाने से हम स्वस्थ रहते हैं। अगला शब्द है फूल। रंग बिरंगे फूल जो बागीचे में होते हैं, जिससे माला बनाई जाती है। फूल को घर में सजाया भी जाता है। मंदिर में भगवान को चढ़ाया जाता है। अगला वर्ण है ब। ब से होती है बतख। बतख एक पक्षी है, यह पानी में तैर सकती है। ब से होता है बाघ। जंगली जानवर बाघ। इसके बाद अगला वर्ण है भ। भ से होता है भालू। आपने कभी भालू देखा है? चिड़ियाघर में भालू देखा है? भालू वाले का खेल कभी देखा है आपने? भ से होता है भोजन। भोजन मतलब खाना, जिसे हम खाते हैं और हमें ताकत मिलती है और हम काम करते हैं। अगला वर्ण है म। म से होता है मटका। मटके में पानी भरा जाता है ना, और यह पानी ठंडा हो जाता है। म से होती है मछली। मछली कौन होती है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल में रहती है, यह एक जलीय जंतु है। तो ये हुए हमारे प वर्ग के व्यंजन। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और हम इसके बाद के अगले व्यंजन पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभ दिन। सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो आपके पास अपने आप पहुंच जाएंगे। बाय बाय।